खनन दिवस के अवसर पर नगर पालिक निगम भिलाई के वार्ड 30 के पार्षद सत्या देवी जायसवाल ने क्षेत्र की मितानिन बहनों एवं आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का सम्मान किया। लगातार भिलाई क्षेत्र में मितानिन दिवस के अवसर पर मितानिन बहनों एवं आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का सम्मान समारोह आयोजित किया जा रहा है। इसी कड़ी में नगर पालिक निगम भिलाई वार्ड 30 की पार्षद सत्या देवी जायसवाल ने भी अपने कार्यालय में एक सम्मान समारोह का आयोजन किया, जिसमें बतौर मुख्य अतिथि लाल बहादुर शास्त्री जिला चिकित्सालय की वरिष्ठ महिला चिकित्सक एवं थाना छावनी की प्रभारी उपस्थित हुई। सर्वप्रथम कार्यक्रम में उपस्थित मुख्य अतिथियों का स्वागत सम्मान विधि अनुसार पुष्पगुच्छ देकर किया गया। तत्पश्चात कार्यक्रम में उपस्थित अतिथियों ने कार्यक्रम में उपस्थित महिलाओं एवं स्कूली बच्चों को अपने अपने स्तर पर जानकारियां उपलब्ध कराकर जागरूक किया। एक तरफ जहां चिकित्सा क्षेत्र में महिलाओं एवं किशोरियों को अपने विशेष ध्यान रखते हुए खान पान पर ध्यान देने की बातें कही गई, तो वहीं थाना छावनी प्रभारी मोनिका पांडे ने महिलाओं के विरुद्ध होने वाले अपराधों से अवगत कराते हुए जुर्म को रोकने के प्रयासों के बारे में बताया। कार्यक्रम की अगली कड़ी में उपस्थित अतिथियों द्वारा क्षेत्र के मितानिन बहनें एवं आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का स्वागत सम्मान उपहार देकर किया गया। मितानिन दिवस पर उपस्थित अतिथियों ने जहां न्यूज टीम को जानकारी दी, तो वहीं कार्यक्रम की आयोजक रही वार्ड 30 की पार्षद सत्या देवी जायसवाल ने आयोजन के उद्देश्य को न्यूज टीम से साझा किया। मैं मितानिन दिवस पर सभी महिलाओं को जो इस नेक काज में जुड़ी हुई हैं, उन सबको पुलिस परिवार की तरफ से, दुर्ग पुलिस तरफ से सब साधुवाद देती हूँ। भावनाएं उनकी बहुत अच्छी हैं, वो नेक काम कर रही हैं और हम बच्चियों को और महिलाओं को जागरूक करने का काम कर रहे हैं ताकि अपराध कम हो सके और सभी सुरक्षित वातावरण में रह सकें। थैंक यू। आम जनमानस के लिए यही है कि किसी को, किसी के भी घर में यदि इस टाइप के कोई सिम्टम आते हैं, जैसा दस्त हो रहा है, उल्टी हो रही है, बुखार आ रहा है, तो उसको मामूली ना लें। जैसे कि एपिडेमिक स्थिति पे ये सब चीज़ें चल रही है, तो उसको गंभीरता से लेकर नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र में तुरंत संपर्क करिए और इसको लाइटली मत लीजिए कोई भी चीज़ों को। हम स्वास्थ्यकर्ता मितानिन के माध्यम से या एएनएम के माध्यम से ज़रूर जाइए। सारे मितानिन के पास, एएनएम के पास जिंक की गोलियां और ओआरएस के घोल होते हैं। जैसे ही पहला सिम्टम आता है, यदि आपको पतला दस्त एक बार हुआ है, तो इनसे संपर्क करिए, इनके थ्रू स्वास्थ्य सुविधा ज़रूर प्राप्त करें। मैं पार्षद जी का बहुत बहुत आभार व्यतीत करना चाहती हूँ और सारी मितानियों को इस दिवस की शुभकामनाएँ देना चाहती हूँ और जितना हो सके मैं चाहूँगी कि वो जिस तरह से अपना योगदान दे रहे हैं, मेरा पूरा समर्थन रहेगा स्वास्थ्य की तरफ से और शासन की तरफ से। जितना हो सके मैं उनकी सहायता करूँ। आज का उद्देश्य यही है भैया कि सेवा, सुरक्षा और स्वास्थ्य, इसके लिए हमने छावनी थाना से TI मैडम मोनिका पांडे जी को बुलाया, तो उनके द्वारा यहाँ बच्चियों को, महिलाओं को काफ़ी अच्छी समझाइश दी गई। उनको समझाया गया कि अपने प्रति किस तरह वो केयरफुल रहें, क्योंकि अभी हाल ही में आपको पता होगा कि वारदात जो हुई है, श्रद्धा नाम की लड़की को 35 टुकड़ों में बांटे गया भैया। प्यार का झांसा देना और इस तरह बच्चियों के साथ हरकत करना, ये बहुत ही अनाचार्य है। तो इस तरह की हरकतें भविष्य में कभी यहाँ ना घटे, इसलिए हमने मोनिका पांडे जी को बुलाया और उनके द्वारा यहाँ हमारी महिलाओं को, बहन बेटियों को समझाइश दी गई और लाल बहादुर शास्त्री हॉस्पिटल से वो वरिष्ठ डॉक्टर को इनवाइट किया था हमने। उनका नाम सोनिका चौरसिया जी है, तो उन्होंने भी अपने स्वास्थ्य के बारे में महिलाओं को समझाया कि खून की कमी और अभी क्या डायरिया का प्रकोप बहुत फैला हुआ है, तो उसके विषय में उनको जानकारी मिली उनके द्वारा कि हमें पानी को उबाल कर पीना है। अगर गलती से भी 2 से 3 बार हमें दस्त हुआ, उल्टी हुई, तो हॉस्पिटल तुरंत पहुंचना है, क्योंकि अगर उसमें हम देरी करेंगे तो जाहिर सी बात है कि हमारी तबीयत ज़्यादा बिगड़ सकती है। तो इसके लिए उन्होंने समझाइश दी। क्षेत्र मोहल्ला पारा को स्वस्थ रखने में मितानिन बहनों का बहुत बड़ा सहयोग रहता है, क्योंकि आम जनमानस के स्वास्थ्य से संबंधित सारी जानकारी एवं सामान्य औषधि इनके पास उपलब्ध होती है और यह मितानिन बहनें अपने क्षेत्र में लोगों के लिए वक्त बेवक्त हमेशा उपलब्ध रहती हैं, इसलिए इनका सम्मान करना भी आवश्यक है, जिससे इनके हौसलों को नई उड़ान मिल सके और नित नई ऊर्जा के साथ अपने जन सेवा के कार्यों को ये अंजाम दे सकें। ग्रैंड एशियन न्यूज़ के लिए भिलाई से संतोष शर्मा की रिपोर्ट।